हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर पर आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज के टॉपिक में आप लोग को मैथ में वास्तविक संख्या वाला चैप्टर, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से लसा और मसा पढ़ाया जाएगा। और इस लसा और मसा के तुरंत बाद एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 को क्लियर किया जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक्स आप लोग का है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना। इससे पहले आप लोग को मसा निकालने का एक विधि और भी बताया गया था, वह विधि था आप लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल मसा ही ज्ञात किया जाता है और वह बता दिया गया है। आज पढ़ाया जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से लसा और मसा दोनों ज्ञात करना, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम लसा और मसा दोनों एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोग का यह क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर चल रहा है, और इससे पहले दो वीडियो और अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 40, 60 और 80 का लसा और मसा ज्ञात करना है। और आप लोग हो सके तो बेसिक लेवल का प्रयोग मत कीजिएगा कि 1 से 8 तक जो पढ़ाया जाता है या 5 से 8 तक जो पढ़ाया जाता है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको इस विधि की सहायता से लसा मसा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले दिए गए संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो पहले 40 का गुणनखंड करेंगे, फिर उसी तरह फिर 60 का गुणनखंड करेंगे। जितनी भी संख्याएं दी गई रहेंगी सबका हम लोग क्या कर देंगे, गुणनखंड मतलब फैक्टर निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 40 का गुणनखंड, 60 का गुणनखंड और 80 का गुणनखंड। तो पहले इसका 40 पे निकालते हैं, तो 2 से कटेगा आपका, तो 20 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे आपका 1 बार में कट जाएगा। और इसको सिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग यह पढ़ के ही आए होंगे कि कैसे यह कट जा रहा है या कैसे कैसे विभाजित हो रहा है। अब 60 का गुणनखंड निकाला जाएगा, तो 60 का आएगा आपका 2 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो आप लोग का 15 बार में कटेगा, फिर यह आपसे 3 से कटेगा तो 3×5=15 हो जाएगा, फिर 5 से काटा जाएगा 5×1=5 हो जाएगा। अब इसी तरह 80 को भी, 80 का भी गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से काटा जाएगा तो 40 आएगा, फिर 2 से आपका 20 हो जाएगा, पुनः 2 से 10 बार में विभाजित होगा, और पुनः 2 से 5 बार में विभाजित होगा, फिर 5 से विभाजित हो जाएगा पूरा। तो 40, 60 और 80 का गुणनखंड निकाल दिया गया। अब गुणनखंड निकालने के बाद लिखा जाएगा, 40 का गुणनखंड आया है 2, अब 2 कितना बार है लिख लीजिए, 1, 2, 3 बार, तो 2×3 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 5 है, तो 5 कितना बार आया, 1 बार, तो 5×1 हो जाएगा। अब उसी तरह 60 का, तो 60 का गुणनखंड करने पाया 2 कितना बार आया है, तो 2×2 बार, मतलब 2 बार आया है। गुणे 3 कितना बार आया, तो 3 1 बार आया है, और गुणे 5 भी आपका 1 बार आया है। तो 40 का हो गया, 60 का हो गया, अब क्या बचा हुआ है, 80। तो 80 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो आया आपका 2×1, 2, 3, 4 मतलब 2×4 बार आया, तो 2×4 हो जाएगा, गुणे 5 जो है आपका 1 बार आया। तो जब घात 1 रहता है तो नहीं लिखा जाता है, ये लिख भी देंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ के आए हैं। 40, 60, 80 का लसा और मसा को निकालना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले करते क्या है, जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उन सबका फैक्टर मतलब कि गुणनखंड निकाल लिया जाएगा, और गुणनखंड निकालने के बाद उसको पावर के रूप में लिख लिया जाएगा, मतलब घात के रूप में लिख लिया जाएगा। अब लसा और मसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लसा निकालते हैं, सबसे पहले लसा निकालेंगे। तो जब लसा निकालेंगे, अब इसको थोड़ा फिर अच्छी तरह समझिएगा, लसा निकालेंगे तो लसा में दिए गए संख्याओं के जो गुणनखंड निकाले हैं, तो सभी के गुणनखंड में देखेंगे जो कॉमन है, जो सब में दिखाई दे रहा है, जो उभयनिष्ठ है, उसको देखेंगे। इसमें देखेंगे कि इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में कॉमन हुई है। तो तीनों में देखिए 2 आपका तीनों में कॉमन हुआ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। जो तीनों में कॉमन रहेगा उसका सबसे बड़ा वाला घात लिखा जाता है, यहाँ 2×3 है, यहाँ 2×2 है, यहाँ 2×4। जो तीनों में कॉमन रहेगा, ये 2 संख्या दिया जाएगा तो 2 में देखेंगे, ये 3 संख्या दिया रहेगा 3 में देखेंगे, ये 4 संख्या दिया रहेगा, तो मतलब कुल मिलाकर सभी संख्याओं के गुणनखंड में देखा जाएगा। अब गुणनखंड में जो कॉमन रहेगा उसका सबसे बड़ा वाला घात लिखा जाएगा, तो यहाँ 2×3 है, यहाँ 2×2 है, यहाँ 2×4, सबसे बड़ा वाला घात यह है, तो 2×4 लिखा जाएगा। इसका 2 का प्रयोग हो गया।
अब आगे चलेंगे, देखेंगे और कोई संख्या कॉमन है तो आपका देखिए पांच भी कॉमन है सब में, या पांच भी कॉमन है तो पांच घाते एक है, यहाँ पांच घाते एक है, यहाँ भी पांच घाते एक है, सबसे बड़ा लगा सबके सब बराबर ही है तो किसी एक को मान लीजिए बड़ा लगा तो पांच घाते एक हो जाएगा। अब उसके बाद दो कॉमन था पांच कॉमन था, मतलब दो का पांच का प्रयोग हो गया। अब कोई संख्या ऐसा नहीं जो कि तीनों में कॉमन हो, अब ये तीन में नहीं कॉमन था दो में कॉमन, देखिए किसे 40 और 60 में ऐसा कोई है जो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसा है नहीं, आपका दो और पांच तो हो गया उसको देखेंगे नहीं, तो 40 और 60 में और कुछ ऐसा नहीं जो कि दोनों में कॉमन हो, या 60 और 80 में भी ऐसा कुछ नहीं जो कि दोनों में कॉमन हो, दो और पांच को छोड़कर क्योंकि दो और पांच का प्रयोग हो गया है, तो 40 और 80 में देख लीजिए कि ऐसा है कोई संख्या की जो दोनों में दिखाई दे रहा है 40 और 80 में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद करते हैं कि दोनों में जो बच जाता है, मतलब इन तीनों में देखने के बाद जो बच जाएगा उसका बड़ा वाला घात लिख लिया जाएगा। आपका तीन बचा है और कुछ तो बचा ही नहीं कहीं, तो इसका बड़ा वाला घात मतलब सिंगल ही दिखाई दे रहा है तो सिंगल ही रह जाएगा आपका तीन घाते एक। क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले जो कॉमन रहता है उसका बड़ा वाला घात लिखेंगे, लिख लिए, और यहाँ पांच घाते एक था यह भी कॉमन था सब में, इसका बड़ा वाला घात कौन होगा तो आपका सबके सब एक है तो एक रह जाएगा, और उसका जो बच जाता है उसका भी बड़ा वाला ही घात लिखा जाता है, तो बच गया था आपका तीन सब में, देखेंगे कि सब में क्या क्या बचा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं बचा है दो और पांच का प्रयोग हो गया है, इसमें आपका बचा है तीन और इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तब जो भी बचा रहेगा उसका बड़ा वाला घात लिखा जाएगा, तो तीन घाते एक है और बड़ा छोटा घात इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, तो जो बचा वही लिख दीजिए, तो तीन घाते एक लिख दिए और इसी को सॉल्व कर देंगे, यही आपका लॉसा हो जाएगा, वास्तव में यही आपका लॉसा हो चुका है, तो गुणा कर लीजिए, दो का चार बार गुणा करना है, तो दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो हो जाएगा, और गुणे पांच का एक बार गुणा करना है तो पांच हो जाएगा, और गुणे तीन का एक बार गुणा करना है तो पूरा गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा दो तक चार नौ आठ नौ का 16 85 80 तीन हो जाएगा 240 3 और 24 240 आपका लॉस हो जाएगा। आप लोग गुणा अपना अच्छी तरह से कर लीजिएगा, दो नौ चार नौ आठ नौ का 16 16 85 80 3 और 24 240 हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा आप लोग का 240। तो उम्मीद है कि आप लोग को लॉस समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर मौसम भी क्लियर कर लिया जाए कि मौसम क्या होता है, तो मौसम में जो कॉमन होता है उसका छोटा वाला घात लिखा जाता है। लॉस में क्या किए थे, जो सब में कॉमन दिखाई दिया था, जो सब में उभयनिष्ठ दिखाई दिया था उसका बड़ा वाला घात लिख रहे थे, लेकिन मौसम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसका छोटा वाला घात लिखा जाता है, तो दो सब में कॉमन है, यहाँ दो घाते तीन है, यहाँ दो घाते दो है, यहाँ दो घाते चार, तो छोटा वाला घात कौन है, तो यह वाला है, वो भी घात देखा जाएगा, दो घाते दो छोटा वाला घात यही है, तो मौसम में छोटा वाला घात लिखा जाता है, दो घाते दो हो गया। अब देखेंगे और कोई संख्या कॉमन है तो पांच भी कॉमन है, तो पांच घाते एक है, पांच घाते एक है, पांच घाते एक, तो इसमें छोटा वाला घात कौन है निश्चित नहीं, सबके सब बराबर है, तो किसी एक को मान लीजिए छोटा वाला घात, तो पांच घाते एक ही रह जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं जो कि सब में कॉमन हो, तो अब कॉमन वाले का छोटा घात लिखने के बाद जो बच जाएगा उसको नहीं लिखते हैं मौसम में, बस जो कॉमन रहेगा उसी को लिखा जाएगा, वो भी छोटा वाला घात। एक लॉसल में क्या था कि जो कॉमन था उसका बड़ा वाला घात लिखा गया और जो बच गया उसका भी बड़ा वाला घात लिखा गया, लेकिन मौसम क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसका छोटा वाला घात लिखते हैं और जो बच जाता है उसको नहीं लिखते हैं, आपका मौसम यही हो जाएगा। तो दो का कितना बार गुणा करना है, दो बार, क्योंकि दो के पावर दो है, तो दो गुणे दो और पांच घाते एक है, तो पांच का एक बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा दो दुना के चार और चार पांच 20 हो जाएगा आपका, यह 20 मौसम हो जाएगा। अब मौसम को इंग्लिश में HCF बोला जाता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लॉसों को LCM बोला जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, लॉसों को LCM और मौसम को HCF बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से लॉसों और मौसम दोनों निकालने आ गया है, लेकिन कभी कभी मौसम वाले सवाल में प्रॉब्लम थोड़ा सा उठ जाता है। देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कि यदि मान ली कि इसमें इन सभी संख्याओं में कुछ न कुछ कॉमन था, जैसे दो कॉमन था पांच कॉमन था, तो जो कॉमन था उसका छोटा वाला घात लिख दिए, लेकिन यदि बाय चांस तीनों में ऐसी कोई संख्या कॉमन ही नहीं होता तब के लिए क्या होता है, यदि मान लीजिए ऐसी कोई संख्या तीनों में नहीं दिखाई देता, मतलब तीनों में कॉमन कोई संख्या नहीं होता, तो उस कंडीशन में मौसम एक लिखा जाता है। यदि दी गई संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में मौसम एक हो जाता है, लेकिन लॉस कभी भी एक नहीं होता।
आपका लॉसा में यदि कॉमन नहीं रहता तो जो बच जाता उसको तो लिखते हैं, उसके हिसाब से अपना लॉसा निकाल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो थोड़ा फिर इसको इरेज करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरे पर। अब अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एक एग्जाम्पल बताया गया था और उसका लसा और मफा दोनों निकाला गया था। तो अब दूसरा एग्जाम्पल है कि 50, 100 और 150 का लसा और मफा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। और इसमें लसा और मफा निकालने के बाद आप लोग को लसा और मफा का डिफिनेशन भी बता दिया जाए, मतलब इसका परिभाषा भी क्लियर कर दिया जाए कि लसा का परिभाषा क्या होता है, मफा का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लसा मफा निकाल लेते हैं। तो लसा मफा निकालने के लिए करते क्या है कि सबका फैक्टर मतलब गुणनखंड निकाला जाता है। तो 50 का गुणनखंड यहाँ निकाला जाएगा और यहाँ पर 100 का और फिर यहाँ पर 150 का गुणनखंड निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यह 2 से काटेंगे तो 2 से यह 25 बार कट जाएगा और फिर उसके बाद यह 5 से कटेगा, 5 एक 5, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 एक का 5 हो जाएगा। अब इसी तरह 100 का गुणनखंड निकाला जाएगा, या 2 से कटेगा, 2 5 10 50 हो जाएगा, आप फिर 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, आप फिर पुनः आपका 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 5 25, फिर 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब 150 से निकालते हैं, तो या 2 से कटेगा, 2 से आपका 75 बार में कटेगा, फिर आपका या 3 से कटेगा तो 3 दुना के 6 हो जाएगा, आपका 3 5 15 हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। आप पुनः 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो सबका गुणनखंड निकाल लिया गया। अब गुणनखंड निकालने के बाद इसको घात के रूप में या पावर के रूप में लिख लिया जाएगा। तो 50 का आया आप लोग का 2 के घाते 1, मतलब क्योंकि 2 एक बार आया है और 5 दो बार आया है, तो 5 के घाते 2 हो जाएगा। अब 100 का, तो 100 का आया 2 दो बार आया है, तो 2 घाते 2 हो जाएगा और 5 भी दो बार आया है, तो 5 घाते 2 हो जाएगा। और 150 का हो जाएगा 150 का, तो 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है और 5 दो बार आया है। तो सबका गुणनखंड निकाल कर उसका पावर के रूप में मतलब उसके घात के रूप में लिख लिया गया। अब लसा और मसा निकाल ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले लसा, तो लसा क्या कहते हैं, जो कॉमन होता है, जो दो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है, मतलब जो कॉमन होता है उसका बड़ा वाला घात लिखा जाता है। तो सब में क्या कॉमन है, तो सब में सबसे पहले 2 सब में दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है, तो बड़ा वाला घात लिखते हैं। तो यहाँ 2 घाते 1 है, यहाँ 2 के घात में 2 है, यहाँ 2 के घात में 1 है, तो सबसे बड़ा वाला घात कौन है, तो 2 घात 2 लगे 2 के पावर 2 इंटू मतलब गुणे। अब देखेंगे और क्या कॉमन है, तो आपका 5 भी सब में दिखाई दे रहा है, तो 5 के घाते 2 यहाँ भी है, 5 के घाते यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 के घाते 2 है, तो सबसे बड़ा वाला घात कौन है, निश्चित नहीं है, सबके सब बराबर ही घात है। जब सबके सब बराबर घात हैं तो क्या करेंगे, किसी एक को लिख लिया जाएगा, तो 5 घाते 2 हो गया। अब देखेंगे और कोई संख्या कॉमन है, तो 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई और संख्या तीनों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद बताया गया था कि जो कॉमन है उसका बड़ा वाला घात लिखने के बाद जो बच जाएगा उसका भी बड़ा घात लिखते हैं। तो आपका इसमें तो कुछ नहीं बचा, 2 और 5 का प्रयोग हो ही गया है, इसमें भी कुछ नहीं बचा क्योंकि 2 और 5 का प्रयोग हो चुका है। इसमें देखते हैं तो इसमें 2 और 5 का प्रयोग हो गया, लेकिन 3 बचा हुआ है, जो बच जाता है उसका बड़ा घात लिखते हैं। तो 3 के घाते 1 है, अब इसमें कौन बड़ा घात है कौन छोटा घात है कोई निश्चित नहीं, अब यह अकेले है तो अकेले लिखना ही पड़ेगा, तो 3 के घाते 1 हो जाएगा। अब सबका गुणा कर लिया जाएगा, तो सबका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का कब बार गुणा हो जाएगा, 2 का 2 बार गुणा होगा और 5 का भी आपका 2 बार गुणा होगा क्योंकि 5 के घात में 2 है, और 3 का 1 बार गुणा होगा क्योंकि 3 के घात में 1 है, मतलब जिसके जिस भी संख्या पर जितना भी पावर रहेगा उतना बार उसका मल्टीपल कर देते हैं, उतना बार गुणा कर देते हैं। तो 2 के घात में 2 था इसलिए 2 का 2 बार गुणा, 5 के घात में 2 था इसलिए 5 का 2 बार गुणा, और 3 के घात में 1 था इसलिए 3 का गुणा 1 बार, तब मल्टीपल करेंगे तो आप लोग का 300 हो जाएगा, 2 दुना के 4 और 50 25 2500 के 100 100 दुना 300, तो आपका लसा हो गया 300। अब निकालते हैं मसा, तो मसा में क्या कहते हैं, जो कॉमन होता है उसका छोटा वाला घात लिखते हैं। तो कॉमन 2 है तो छोटा वाला घात में 2 घाते 1 होगा, तो 2 घाते 1 लिख दिए। अब गुड़े और कुछ कॉमन है, तो और आपका 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन, तो यहाँ 5 घाते 2 है, यहाँ भी घाते 2 है, यहाँ भी घाते 2, सबके सब बराबर है, तो छोटा वाला घात कौन है बड़ा वाला घात कौन है बराबर मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि उसी को उतार देते हैं, तो 5 घाते 2 हो जाएगा।
जब सभी घात बराबर हो जाएं, तो उसको हम बड़ा घात मान के बड़ा घात वाले में भी उतार देंगे, लसव में भी उतार सकते हैं, और छोटा वाले घात में छोटा घात मान के मौसम वाले में भी उतार सकते हैं। अब उसके बाद दो और पांच के अतिरिक्त तो कोई और संख्या कामन नहीं है। अब जो बच जाएगा उसको मौसम में लिखा भी नहीं जाता है, तो तीन बच गया था मौसम में लिखा ही नहीं जाएगा, तो आपका मौसम यही हो जाएगा। यहाँ दो के घाते एक है, इसका मतलब दो का एक बार गुणा होगा, और पांच के घाते दो है, इसका मतलब पांच का दो बार गुणा होगा, तो हो जाएगा आपका पांच पांच पच्चीस दूना के पचास, तो आपका मौसम हो गया पचास। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से लसव मौसम निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हमको लसव और मौसम का परिभाषा बताना है कि लसव मौसम का परिभाषा होता क्या है। अब मौसम को आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, और लसव को इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। तो लसव और मौसम का डिफिनेशन क्या होगा, तो देखिए परिभाषा, लसव परिभाषा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या। लसव की परिभाषा में वह, अब इसके घात को मत देखिए, यहां बड़ा घात लिखा गया था, परिभाषा में छोटा बोल रहे हैं, परिभाषा कुछ और होता है, और यह जो नियम लगाया गया वो कुछ और है, नियम से परिभाषा को मत मिलाइएगा। लसव का परिभाषा होता है कि वह छोटा से छोटा संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब कि कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपका 300 है लसव में, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए या कट जाए। तो यहाँ पर जो 300 है 50 से भी कटेगा और 100 से भी कट जाएगा और 150 से भी कट जाएगा, काट के देख लीजिए, 50 का पहाड़ा पड़ेंगे तो आपको 50 × 50 = 300 हो जाएगा। आप फिर 100 का पढ़ेंगे तो 100 × 300 हो जाएगा, और 150 का पढ़ेंगे तो 150 से भी या दो बार में कट जाएगा। लेकिन इसके बाद जो 300 का मल्टीपल होता है 600 जैसे, इफ 600 को भी 600 में भी 50 का भागा देंगे, 100 का भागा देंगे या 150 का भागा देंगे, तो यह तीनों संख्याओं से 600 भी कट जाएगा। अब 3 का मल्टीपल एक होता है 900 भी, तो 900 में भी यदि 50 का 100 का 150 का भागा देंगे तो 900 भी पूरा कट जाएगा, सभी संख्याओं से कट जाएगा। परंतु लसव आपका वास्तव में यही होगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं से सबसे छोटा तो यही है, अब इससे छोटा कोई और संख्या नहीं होगा, 300 से छोटा ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी कि जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, बड़ा हो सकता है, इसीलिए परिभाषा में बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे छोटा रहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए मतलब कट जाए, वही लसव कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को लसव का डिफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आप चलते हैं मौसम के डिफिनेशन में, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे यह 50 आया तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। अभी इसका भागा इसमें नहीं देंगे, अब मौसम में इसका जो आया होता है इसका भागा सब में देते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 50 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे 50 का भागा 50 में देंगे तो एक बार में काट देगा, 50 का भागा 100 में देंगे तो दो बार में इसको काट देगा, और 50 का भागा 150 में देंगे तो इसको तीन बार में काट देगा, और काटने के लिए देखा जाए तो 10 का भी भागा देंगे तो 10 से भी ये सबके सब कट जाएंगे, और ये आपका 5 से भी सबके सब कट जाएंगे, ये 50, 100, 150, 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और बस इतना ही संख्या से कटेगा, मतलब 50 से 10 से 5 से तीनों से यह कट जाएंगे। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था, 50 है, इसीलिए 50, 100 और 150 का जो मौसम होगा वो 50 होगा, क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे वही उसका मौसम कहलाता है। तो आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से लसव और मौसम अच्छी तरह क्लियर हो गया, और लसव और मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा, और लसव और मौसम का डिफिनेशन भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं और आज के टॉपिक में अब प्रारंभ किया जाएगा प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, प्रश्नावली 1.1।